बक्सीडी रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में अमर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। यहां दोनों महान विभूतियों की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा, उपाध्यक्ष अजय सिन्हा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सतीश केडिया, आलमगीर आलम, कृष्ण सिंह, महमूद अली, सैफुद्दीन खान, तनवीर हयात, समीर चौधरी, मुकेश शाह, मोहम्मद निजाम, वाहिद अली, मोहम्मद अरमान सहित सभी प्रमुख कांग्रेसी उपस्थित थे। कार्यक्रम में नेताओं ने कहा कि इन महान विभूतियों के आदर्शों पर चलकर देश की आज़ादी को अक्षुण्ण रखा जा सकता है। कहा कि देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली अमर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की गाथा इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। वहीं महान विभूति इंदिरा जी, जिन्होंने देश के नक्शे को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिलाई, भारतीय सेनाओं को नई मजबूती प्रदान की, जिन्होंने आतंकवाद से लड़ते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, आज देश को दोबारा ऐसे ही कठोर नेतृत्व की आवश्यकता है। आपको पार्टी आज देश के दो महान विभूति पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा जी की जयंती है, साथ ही झांसी की रानी जिन्होंने इतिहास में यह बताने का काम किया है कि नारी अबला नहीं होती है, उन्होंने लड़ कर के यह साबित कर दिया था। आज दोनों ही महान युवतियों का हम लोग यहाँ जयंती मना रहे हैं और इस कार्यालय में एक संदेश के रूप में यह भी है कि इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी वो कितने ताकतवर थी, उनके जो डिसीजन होते थे, उनकी जो सोच थी वह काफ़ी मजबूत, और उन्होंने करके दिखाया इस देश को। ऐसे नेता का कदमों के पश्चिम पे हम लोग अगर चलें तो निश्चित रूप से समाज का विकास होगा और एक अच्छा संदेश जाएगा। आज ही हम संकल्प लेते हैं, आज आज़ादी के आंदोलन की नींव रखने वाली अमर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म दिवस है, उनकी जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उसी आज़ादी को अक्षुण रखने में भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री लौह महिला, जिन्होंने शहरों के नहीं मुल्कों के नाम बदले, ऐसी महिला को तहे दिल से नमन, जो भारत को आतंकवाद से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, ऐसी महिला प्रधानमंत्री को नमन है। और आज हम सभी उसी आतंक के विरोध में खड़े हों, उनके पदचिन्हों पर चले, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है।